चलिए आपको शामली लिए चलते हैं, जहां अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं नाहिद की बहन इकरा के साथ चुनाव प्रचार करते हुए, जो उनकी रथ निकल रही है इसकी तस्वीरें आ रही है। सीधी तस्वीरें देखिए आप, ये शामली की तस्वीरें हैं आपके सामने। लोगों के बीच में अखिलेश यादव हैं और ये दिलचस्प सियासी तस्वीर बिल्कुल। और जहां उनकी बहन है वे लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं उनके बिहाफ पर, और उन्होंने पर्चा भी भरा था बिल्कुल। और अब ये तस्वीरें जहां अखिलेश यादव और आरएलजी के नेता भी साथ में मौजूद हैं, और वे लगातार जहां समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी पर तो निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन जब अपने प्रत्याशियों की बात आती है तो वे इस बात का भी काउंटर करते हैं कि किस तरह से माफियाओं को सूची में और गुंडे वाली पार्टी जिस तरह से बीजेपी के लोग उन्हें कह रहे हैं उसका भी लगातार वे जवाब दे रहे हैं। तो तस्वीरों में जयंत चौधरी, अखिलेश यादव आप देख रहे हैं और इकरा भी मंच पर ही मौजूद हैं। तो ये नाहिद का ना होना, उनकी बिहाफ में उनकी बहन का होना इस प्रचार में, सभी जानते हैं इसके पीछे की वजह। और अब इन तस्वीरों को देख सकते हैं जहां पर प्रचार प्रसार के लिए मैदान में पश्चिमी यूपी में डेरा तो डाले हुए हैं, तमाम सियासी दलों के बड़े बड़े दिग्गज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी शामली की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, नाहिद हसन की तस्वीरें भी देख सकते हैं। लोगों के बीच में जो पॉपुलैरिटी और जो लोग मौजूद हैं वो नाहिद हसन की फोटो लेकर के आए हैं, क्योंकि इस रथ में अनु इकरा मौजूद हैं जो अपने भाई के हक में वोट मांग रही हैं इस गठबंधन के लिए। और लोगों के बीच तस्वीर जरूर दिखाई दे रही है नाहिद की, जिस पर सवाल कितने उठाए जा रहे हैं ये भी हम जानते हैं। लेकिन इस बीच प्रचार प्रसार की ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। तो लगातार चुनाव प्रचार तो किया ही जा रहा है, और नाहिद हसन को लेकर काफी समाजवादी पार्टी को भी घेरने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसका माकूल जवाब इकरा से लेकर अखिलेश यादव देते रहे हैं। और उन्होंने ये साफ किया है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है, और जब तक कोर्ट कोई फैसला ना ले ले, और जिस तरह से ये भी माना जा रहा था कि हो सकता है कि नाहिद हसन का जो नामांकन है वो रद्द हो जाए, इस वजह से उनकी बहन ने नामांकन भरा था लेकिन उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ। और अब ये चुनाव प्रचार चल रहा है, तो ये तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं जहां अभी थोड़ी देर पहले ही समाजवादी पार्टी के 12 प्रत्याशियों की सूची भी जारी हुई है, और लगातार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अब उतरे हुए हैं मैदान में, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, और गर्मी से लेकर जो अब कई ऐसे टर्म चल रहे हैं जिससे एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं उसका जवाब भी और अखिलेश यादव। सबसे रेलेवेंट तस्वीर जिसका जिक्र अभी अमित शाह कर रहे थे कि या तो जेल में है या बेल पे है या फिर लिस्ट में है, समाजवादी पार्टी के लिए अमित शाह जिस बात का जिक्र कर रहे थे उससे कनेक्ट करके भी कुछ लोग इस तस्वीर को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल लोगों के बीच में जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्रेज भी दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें भी हमारे सामने हैं जहां इकरा मौजूद हैं इस गठबंधन के साथ, समाजवादी आरएलडी गठबंधन के साथ। प्रचार प्रसार का ये अभियान तेजी पकड़ रहा है, लोग अपने घरों के छत से खड़े होकर देख रहे हैं बिल्कुल। और आज ऐसी ही तस्वीरें सभी पार्टियों की ओर से आ रही है, जहां बीजेपी तो लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, कई सारी रैलियां जनसभाएं हो रही हैं, और अब ये जो रोड शो है एक तरह से वो भी दिखाई दे रहा है। रुक कर लेते हैं जहां अखिलेश यादव, जयंत चौधरी इस वक्त अपने रथ में मौजूद हैं और चुनाव प्रचार किया जा रहा है, प्रत्याशियों के हक में वोटों की अपील की जा रही है। और वहीं कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी बहन इकरा हसन भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शामली की, जहां अखिलेश और जयंत चौधरी प्रचार कर रहे हैं, अपने रथ पर अखिलेश यादव मौजूद हैं और नीचे उनके काफी संख्या में समर्थक भी हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और काफी समय के बाद स्नेहलता ये जो भीड़ है अब नजर आने लगी है, जैसे जैसे थोड़ी ढील चुनाव आयोग की तरफ से दी जा रही है, सभी पार्टियां अब बाहर निकली हैं और जो तय संख्या है उनके अनुसार ही चुनाव प्रचार करने का बिल्कुल प्रयास अनु, क्योंकि वो भी हम जानते हैं कि लोगों की संख्या भीड़ भी एक सियासी दिग्गजों के लिए मुद्दा होता है, बड़ा संदेश भी यहां से देने की शक्ति प्रदर्शन की। जी।